उन्होंने बोला इट हैज टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ़ फूड उन्होंने बोला कि हमारे जो टंग होती, है, उनके होती हैं उनके डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं टू टेस्ट द फूड वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी अभी हम क्या करेंगे बेटा जो हमारे पास फॉलोइंग एक्टिविटी है टू पॉइंट फोर वहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टेस्ट बर्ड होते हैं ठीक है पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड कौन कौन से होते हैं देखो बेटा उन्होंने टंग का डायग्राम बनाया हुआ है एक है टेस्ट बर्ड और एक ये और ये फ्रंट में टेस्ट बर्ड है बेटा जैसे हमारे पास एक्टिविटी टू पॉइंट फोर उन्होंने किसके लिए दी हुई है अपने टेस्ट बर्ड निकालने के लिए ठीक है कि हमारे कितने टेस्ट बर्ड होते हैं टंग में फर्स्ट है बेटा प्रिपेयर ए सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन कॉमन साल्ट सोल्यूशन लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ ऑफ बिटर गोड ठीक है उन्होंने बोला कि अब क्या करेंगे हम एक सैम्पल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सबसे पहला सैम्पल हमारा शुगर का होगा सेकेंड वन हमारा साल्ट का होगा थर्ड हमारा लेमन जूस का होगा और फोर्थ हमारा जूस ऑफ क्रश्ड नीम जो नीम के लीफ होते हैं बेटा जो नीम के पत्ते होते हैं उनका और बिटर गोड जो हमारे पास बिटर गर्ड होते हैं उनका हम यूज रखेंगे ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट मतलब कि क्या करेंगे अभी बेटा हम अपने दोस्त के आँखों में पट्टी बांध देंगे और आज खर हम हिम टू टेक आउट द उन्होंने उनको क्या बोलेंगे कि अपनी टंग निकालो एंड कीप इट स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन उन्होंने बोला स्ट्रेट पोजिशन में रखो अपनी टंग को बाहर निकाल के फिर बेटा यूज़ ए क्लीन टूथ पिक टू पुट द अब अब सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर टू पॉइंट सिक्स उन्होंने बोला कि जो हमारे पास टंग के डिफरेंट बड बताए हुए हैं हम वहाँ पे रखना स्टार्ट कर देंगे टूथ पिक की मदद से यूज़ ए न्यू टूथ पिक फॉर ई सैंपल और हम क्या करेंगे नई सैम मतलब कि कभी भी जैसे कि हम नया सैंपल यूज़ करेंगे हम उस